नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू हजारे। वक्त बदला और हमने अपने आप को इतना बदल दिया कि हर चीज हमसे पीछे होती गई। यानी जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर डेस्टिनी को भी खुद ही पीछे कर रहे हैं। हमारा ऑरा, हम बार बार कहते हैं कि हमें अच्छा होना चाहिए, हम जहां जाए सब लोग हमें सराहने चाहिए, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसके चलते हम कहीं ना कहीं अपने एक पॉजिटिव ऑरा की तरफ अपने कदम ही नहीं बढ़ा पाते हैं। वेस्टर्न कल्चर हमारे पे कितना हावी होता जा रहा है। कहां हम शुरुआत करते थे नमस्ते से, आशीर्वाद लेने से, प्रणाम से, लेकिन कहां हम हाय ब्रो, हाउ आर यू ऐसे करना शुरू कर दिया है। और हम बहुत खुश होते हैं, खास करके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, हमारे बच्चे कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, भाषा लैंग्वेज ये अपनी जगह एक महत्व रखती है, लेकिन मर्यादाएं भी तो कुछ चीज है, कहीं रोक भी तो जरूरी है। और फिर हम यहां इतना ज्यादा जब अपने बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़े से तो संस्कार सीख भी जाए। कहां सीखेंगे वो। राम राम की बात करने लगी हूं आज मैं। राम राम, जस्ट राम राम। सिर्फ सुबह एक बार अगर राम राम कह दें तो आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट ऑल पूरे दिन की पूजा का फल मिल जाएगा आपको। राम राम जोड़े में, मतलब जोड़ करके दो बार बोला जाएगा राम राम और फायदा मिलेगा पूरे दिन की पूजा का। कैसे हो सकता है? बड़ी देवीय सी बात नहीं है? हमारी संस्कृति और सभ्यता की बात ही कुछ निराली है, अलग ही है। लेकिन आपको मालूम है कि ये सब्जेक्ट आज मैंने क्यों लिया है? ये इसीलिए लिया है कि हमने धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों को पीछे कर दिया है। धीरे धीरे हमने अपनी जिंदगी में क्लटर जोड़ते जा रहे हैं और अच्छाई को पीछे करते जा रहे हैं। ब्रो मींस क्या? इतना शॉर्ट कर दिया भाई के मतलब को, ब्रदर को ब्रो। तो आप सोचिए, जब उसकी भाषा का प्रोनंसिएशन ही ऐसा हो, एकदम से ऐसे लगता दूसरे को थपेड़ा मार रहे हो, तो उसका फल कैसा मिलेगा? मैं किसी भी चीज को गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन एक्सट्रीम एक्सेस हमेशा खतरनाक होता है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो मर्यादा का हो, चाहे अपनी संस्कृति को पीछे करने का हो, चाहे हमारे ज्ञान को कहीं ना कहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बदलने का हो, कोई भी एक्सेस हमेशा आपको खतरनाक मोड की तरफ लेकर के जाता है। अच्छाई को अपनाने में जितना समय लगता है ना, बुराई को अपनाने में उसमें मात्र कुछ सेकेंड्स के अंदर ही आप उस बुराई को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन बुराई को छोड़ने में बहुत समय लगता है, अच्छाई तो आप क्षण भर में छोड़ देते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, आपको राम राम कहलवाते हैं और मात्र 40 डेज के अंदर ही इसका चमत्कार देखिएगा। कहना शुरू कीजिएगा शुरू शुरू से। शुरू शुरू में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, बच्चों को भी बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप इसकी एक आदत बनाएंगे, ये आपको फल देना शुरू कर देगी। यानी राम राम का नाम ही खाली आपके जीवन के सारे कष्टों को भी हरेगा और साथ के साथ आपके जीवन में खुशियां भी लेकर के आएगा, फायदे भी लेकर के आएगा। बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना आप, काम नहीं बनते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, पैसा नहीं आता है, धन आता है तो जाने कहां चला जाता है, लेकिन इस राम राम के नाम के पीछे का जो तर्क है आपको वो बताने जा रही हूं। जब हम र अक्षर की बात करते हैं तो हमारी हिंदी की जो शब्दावली है, जो हमारा छोटा सा बच्चा होता है, हमने हिंदी लैंग्वेज को भी, भाषा को भी पीछे करना शुरू कर दिया। र 27 नंबर पर आता है ये अक्षर। आप क ख लिखिएगा आज, जरूर करिए आज फिर से शुरुआत। क ख ग जब हम लिखेंगे, पूरा लिखिएगा और देखिए इसे काउंट कीजिएगा, 27 नंबर पर आएगा र अक्षर। एक कागज पे एक कोने पे लिख दीजिए, उसके बाद अ आ ई ई उ करते थे ना,
नहीं अच्छा लगता था ना। आ सेकेंड नंबर यानी दो नंबर पर आता है आ अक्षर, प्लस करके दो नंबर भी कर दीजिएगा, अगेन प्लस कीजिएगा, म अक्षर, म शब्दावली, हिंदी शब्दावली का म अक्षर लिखिएगा, वो बनेगा आपका म। म मतलब 25 नंबर, 27 प्लस 2 प्लस 25 बन गया टोटल 54। एक बार राम लिखने से 54 अंक बन जाते हैं आपके, और दो बार राम लिखेंगे तो 54 प्लस 54 हो गया 108, यानी एक माला पूरी राम राम की सिर्फ एक बार सुबह उठते ही, जब आप एक दूसरे को इतना ही बोलेंगे ना राम राम, तो आपकी एक माला पूरी होगी 108 मन के। नहीं सोचा होगा आपने इसके, हमारी संस्कृति, मैंने कहा ना हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में इतनी ताकत है कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ अलग मुद्दों की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, कुछ पाने की होड़ में हम इतना आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं, हम अपने शास्त्रों को भी भूल गए हैं, हम अपने ग्रंथों को भी भूल चुके हैं, और तो और सभ्यता को भी भूल चुके हैं, और पाना बहुत कुछ चाहते हैं। ये बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है। आपने सिर्फ सुबह उठ करके एक बार दूसरे को गुड मॉर्निंग के बजाय जरा राम राम बोलना शुरू कर दीजिए ना, इतना ही बोलेगा सिर्फ राम राम, राम राम जी, देखिएगा आप, आपके घर का ऑरा भी देखिएगा, बच्चों की एनर्जी को भी देखिएगा, अपनी एनर्जी को भी फील कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्किंग बच्चे होते हैं, उनके पास वाकई टाइम नहीं होता, टाइम इसलिए नहीं होता, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं होता, उनका मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है। सोएंगे रात को 12 बजे, सुबह तो जो 7 बजे जाना है तो जाना ही पड़ेगा, वहां तो कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, सर्विस में तो उनको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, स्कूल है तो टाइम पर जाना पड़ेगा, अगर आपका ऑफिस है तो आपको पहुंचना ही है, कॉलेज है तो आपको जाना ही है, टाइम नहीं बचता है। वहां सबसे पहले दिक्कत आती है कि हमारा मन, हमारा माइंड, ये क्यों कब्जे में नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए कुछ भी कार्य करते ही नहीं है। थोड़े दिन आपको हो सकता है कि मैनिपुलेट वे में, या फिर आपको हो सकता है अपने बच्चों को कुछ गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझाना पड़ेगा, लेकिन एक बार इस राम राम की शुरुआत तो करके देखिए अपने घर में, और देखिएगा कि 40 डेज के अंदर आपके घर में किस तरीके का ऑरा बनता है। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, आप स्वयं हैं, 2 बच्चे हैं, सब लोग एक बार अगर राम राम बोलें तो कितनी मालाएं आपके घर में हो जाएंगी पूरे दिन की। 6 लोगों ने बोला तो 6 माला तो वैसे ही होगी, और उस घर के अंदर 6 माला एनर्जी अगर क्रिएट हो जाए तो सोचिए उस घर का ऑरा कैसा होगा, उस घर का वाइब्रेशन कैसा होगा, उस बच्चे की एनर्जी कैसी होगी जिसकी कानों के अंदर 108 बार मन को जैसा माला का पूरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी सोच के ऊपर कितना ये इफेक्ट होगा। नेगेटिविटी अपने आप दूर जाने लगेगी। नेगेटिव थॉट इसीलिए हमारे आगे पीछे पनप रहे हैं क्योंकि हम अच्छाई का ना सहारा लेना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना सच्चाई की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, ना उस तरफ जाने का प्रयास करना चाहते हैं। आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। इस बार थोड़ा दूसरा पहलू देखिएगा। यही उपाय है, यही रेमेडी है घर के अंदर सुख सुविधाएं लाने की, यही रेमेडी है घर के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने की, और साथ के साथ बच्चों के अंदर एक मनोबल लाने की। राम राम के नाम से अपनी जिंदगी को संवार लीजिए, और हर दिन ये माला आपने भूलनी नहीं है, इस चेन को बढ़ाइएगा। हर दिन हर व्यक्ति को एक बार तो ये वर्ड कह दीजिए, एक बार ये शब्द बोल दीजिए, एक बार इसका स्मरण कर दीजिए। आप इसको चाहे वर्ड बोल लीजिए, स्मरण बोल लीजिए, जो भी पहलू कोई भी रहे, लेकिन उसका प्रभाव सकारात्मक ही होगा आपके जीवन में।
मेरी इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना है। राम के नाम से, राम राम के नाम से आपने इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं हम देश हित के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन हम स्टॉप कर देते हैं, चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसको बहाव की तरह आगे वीडियो को भेजिएगा, करोड़ों क्या पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए कि सिर्फ एक राम राम बोलने से आपके जीवन पर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप जरूर देखें और कमेंट्स भी किया करें और उस पर, और साथ के साथ लाइक भी करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।